की भोग ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं मैया, नहीं, आप तो मेरी मैया हैं, आप मुझे ऐसे माखन खिलाने लगी, आप तो मुझे अपने हाथों से माखन और रोटी चूर करके खिलाती थी। मैं आपका लल्ला हूँ मैया, आपके डांट और फटकार का आदि हूँ। आपका ये आदर और सम्मान मुझे नहीं चाहिए मैया। आप ही तो कहती थी कि आपकी डांट खाए बिना मुझे भोजन नहीं पचता। फिर आज क्या हो गया मैया? मनुष्य अवतार में मैं प्रत्येक मनुष्य से स्वाभाविक संबंध चाहता था, किंतु आज सब एक ही क्षण में मुझसे दूर हो गए मैया। इस जीवन में प्रेम से बढ़ के मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए मैया। आपकी ममता, आपका प्यार, फटकार, लाड, डांट और मेरी वो मैया चाहिए मुझे, जो मुझे जितना प्रेम करती थी उतना ही डांटती भी थी। नहीं नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं भला आपको कैसे डांट सकती हूँ? कहीं मेरे ऐसे व्यवहार से मैं पाप की भागी ना बन जाऊं। प्रभु सुनिए, आप सब, आप ये भेद और भोग मुझे सौंप दीजिए, मैं ये जाकर कान्हा को दे दूंगा। हाँ हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विचित्र होगा ना, सदैव तो माखन के पीछे पीछे आते हो और आज जब इतना सारा माखन मिल रहा है तो उसकी ओर देख भी नहीं रहे हो। नहीं दाऊ, जो आनंद माखन चुरा के खाने में आता है वो इस प्रकार सजा सजाया भेंट में मिला माखन खाने में नहीं आता है। ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ो और माखन खाओ। माखन चाहे चोरी किया हुआ हो या फिर भेंट का, माखन तो माखन होता है। दाऊ ये सब आप नहीं समझेंगे, समय आने दो। घर तो मुझे आज का दिन लग रहा है, ना मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ की और ना ही किसी ने मुझे मीठे ताने मारे। दाऊ आज ऐसा पहली बार हुआ है जब मुझे अपने अवतार रूप में कुछ भी रुचिकर नहीं लग रहा। चलो काना, हम जाकर अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, वहाँ तुम्हारा मन अवश्य लग जाएगा। चलो काना, चलो ना काना। सबके ऊपर भी मधुमक्खियां हैं। बस छुटकारा दिलाओ।
गई कृष्णा, आप धन्य हो। कितनी बार इनको ठीक करोगे? कभी न कभी जब इनके पास नहीं रहोगे तब इन्हें कौन बचाएगा? और समय आएगा ही नहीं दुष्ट। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो इसी समय यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा वध करने के लिए मुझे विवश मत करो। तुम मेरा वध तो कर सकते हो, किंतु इन मधुमक्खियों का क्या करोगे जो मेरे वश में है? ये निर्दोष मधुमक्खियां मेरे वश में होने के कारण इस प्रकार लोगों को काट रही हैं। और तुम तो निर्दोष को मारते नहीं हो ना? और ये स्मरण रहे कि मेरे मरते ही ये मधुमक्खियां और भी दुगनी गति से और संख्या में पूरे वृंदावन में फैल जाएंगी और कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मधुसूदन पुनः अवश्य आएगा कान्हा। मधुमक्खियों से मैंने पूरे वृंदावन को सुरक्षा कवच से सुरक्षित कर दिया है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। बलराम भगवान की जय। बलराम भगवान की जय। बलराम भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। माता, आप सब तो चलोगी ना हमारे साथ वन में? मैं जानता हूँ कि आप सबको घास चढ़ने के साथ साथ मेरी बांसुरी की धुन सुनना बहुत ही अच्छी लगती है। प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु, किंतु हम आपको ये सारे कार्य करने नहीं दे सकते। ये कार्य तो मेरा ही है, मुझे इनके साथ बहुत ही आनंद आता है। बाबा ने मेरे 5वें जन्मदिन पर मुझे ये कार्य सौंपा था, तब से मैं ही ये कार्य करता आ रहा हूँ और आज भी मैं ही ये कार्य करूँगा। बाबा आपको स्मरण है ना? मेरा लल्ला, जो तू कहेगा वैसा ही होगा। मेरे गौशाले में 2000 गायें, इनकी देखरेख और उनके खान पान का उत्तरदायित्व तो अब से तुम्हारा है। बाबा मैं तो बस अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। नहीं प्रभु, हमें पाप के भागी मत बनाइए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। जब हमने आपको ये उत्तरदायित्व सौंपा था तब हमें तनिक भी भान नहीं था कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं।
भीम, ये अनर्थ नहीं होने दे सकते। प्रभु, हमें पाप के भागी मत बनाइए। हाँ प्रभु, आप माखन का आनंद उठाइए, लीजिए। चलो एक शोध। लो, अब तो गैया का साथ भी छूट गया। कान्हा, तुम्हें गैया बहुत ही प्रिय है ना? किंतु तुम ही सोचो, ये अपने भगवान को कोई ऐसा कार्य कैसे करने दे सकता है? ठीक है दाऊ, जैसा आप कहो। चलो दाऊ, राधा के पास चलते हैं। उसके साथ थोड़ी हंसी ठिठोली करेंगे तो मन भी बहल जाएगा। और वैसे भी भेंट में मिला माखन खाने का मन नहीं करता। उसके पास जा ही रहे हैं तो माखन भी चुरा लिया जाए। हाँ, निराशा को मिटाने का ये उपाय उत्तम है कान्हा। चलो चलो, चलिए जाओ। कंकड़ किसने मारा? किसकी उदंडता है ये? किसने कंकड़? कौन है वहां? सामने आओ। क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अज्ञानी आपको पहचान नहीं पाई और आपका बार बार अपमान करने लगी और फिर आपको अपना मित्र मानने की भी इच्छा करने लगी। किंतु आप मेरे मित्र कैसे बन सकते हैं भला? आप तो हमारे प्रभु हो। कान्हा चलो माखन मिल गया। प्रभु 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 प्रभु। आप भी यहाँ? ओह भाग्य की आप दोनों मेरे घर में पधारे। ये क्या, आप माखन क्यों चुरा रहे हैं? इसकी आपको आवश्यकता क्या है? मैंने आपके लिए घर के बाहर दो मटकी पर माखन रखा है। जब आपका मन करे आकर माखन को भोग लगा दीजिए प्रभु। वृंदावन के सारे घरों के बाहर आपके लिए ही तो माखन रखा है। आज तक हम सब आपसे माखन छुपाते रहे, हमें क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। ये लो दाऊ, आप ही खाओ माखन। मधुमंगल, तनिक शीघ्र चलो। अरे मित्रों, चलो चलो खेलते हैं। Thank you.
प्लीज ना भगवान, मैंने आपके वस्त्र पहनकर राम वालों को भ्रमित किया। इसी कारण आप पर तोली का दूता आलोप लगा। आप तो अंतर्यामी हो, अब आप मुझे बातों मत करना। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। नहीं सुजान, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। ये लो मधुमंगल। मधुमंगल गेंद फेंको ना, फेंको। तुम एकदम चुपचाप क्यों खड़े हो? नहीं नहीं कृष्णा, हम आपको गेंद नहीं मार सकते, आप तो भगवान है। तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मित्रों, मैं तुम सब के साथ खेलने आया हूँ। प्रभु, आप भगवान हो, भला हम आपके साथ कैसे खेल सकते हैं? नहीं सुदामा, तुम सब तो मेरे मित्र हो। सुदामा, कम से कम तुम तो मेरी पीड़ा समझो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। मन तो बहुत ही करता है, किंतु मैया और गांव के सभी बड़ों ने हमें आपके आदर और सम्मान करने को कहा है, और कहा है कि हम आपके साथ नहीं खेल सकते। यदि हमें किसी ने भी आपके साथ खेलते हुए देख लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारा भय डांट का है। किंतु इसका एक उपाय है मेरे पास। तुम सब संध्या में मेरे घर आ जाना, हम लोग छुपके वन में जाएंगे और वहाँ खेलेंगे। वहाँ पर कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तो कहो, आओगे ना? जैसा आप कहे प्रभु, आपकी आज्ञा हम कैसे टाल सकते हैं? चलो मित्रों। मेरे मित्र भी मेरे भक्त बनकर रह गए। बिना मित्रता के यह जीवन भी व्यर्थ लग रहा है। मुझे मित्रता का भोग चाहिए, भक्ति का नहीं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो काना? दाऊ, हमारी टोली, बस हमारी मित्र मंडली आती ही होगी, फिर हम खेलने जाएंगे। चलो दाऊ, हमारे सभी मित्र आ गए, चलिए। ये क्या गाना? रथ में विराजिए प्रभु। इसमें? किंतु क्यों काका? प्रभु, आपके सम्मान में हमने एक छोटा सा आयोजन किया है। नहीं नहीं, अभी तो हम हमारे मित्रों के साथ खेलने जाएंगे। दाऊ, हम भगवान हैं और भगवान कभी अपने भक्त को निराश कर पीड़ा करने जाते हैं भला? दाऊ, अब हमें इनके साथ जाना ही होगा। ठीक है काना, चलो। We'll be right back.
कीजिए। क्षमा कीजिएगा श्रीहरि, किंतु मैं आपकी सेवा का कोई भी सुअवसर नहीं छोड़ सकता। का पालक तू है, ब्रज भूमि उद्धारक तू है। सारे जग का पालक तू है, ब्रज भूमि उद्धारक तू है। नारायण का रूप तू ही साकार रे हो, नारायण का रूप तू ही साकार रे, कि महिमा तेरी तू ही जाने। कन्हैया तेरे वनवासियों, आज मैं स्वेच्छा से अपने ग्राम प्रमुख के पद का त्याग करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे वृंदावन में इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे वृंदावन की सुरक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम करते हैं। इसलिए हमें इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु, आज से आप लोग जो भी आदेश देंगे, हम सब लोग उस आदेश को मानेंगे। कृष्णा बलराम की जय। कृष्णा बलराम भगवान की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। उत्तम, अति उत्तम। तुमने अपनी स्वेच्छा से ये ग्राम प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। बड़ा अच्छा किया तुमने। वैसे भी तुम इस पद के योग्य थे ही नहीं। पूरे वृंदावन को इसका कोई लाभ हुआ? बिल्कुल नहीं। माना कि तुमने वृंदावन की सुरक्षा का दायित्व इन दोनों बालकों के कंधों पर रखकर स्वयं को मुक्त कर लिया, किंतु जो बाहर रहते हैं, जो व्यापारी हैं, जिनको व्यवसाय करना है, उनका क्या? बाहर तो कोई सुरक्षा चक्र नहीं लगा है, ये तो वृंदावन में ही है। उनके बारे में कुछ बताइए मुझे। उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर दीजिए। आज वृंदावन का वस्त्र सुरक्षित नहीं है, यही उचित अवसर है। मधुमक्खियों, जाओ और प्रत्येक गांववासी को काटो और कुछ गांववासियों को उठा लो। कृष्णा को मारने में ये गांववासी हमारे काम आएंगे। तुम्हें तो बड़ी व्यग्रता है मुझे मारने के लिए मधुसूर। किंतु पहले सत्य तो सुन लो मधुसूर। ये कवच हटा नहीं, हटाया गया है ताकि तुम यहाँ आ सको। तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो मधुसूर, तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ लेकर आया है। तुम और मेरा काल, किंतु होगा इसका विपरीत। कृष्णा, मैं तुम्हारा काल बनूंगा। अपने नेत्रों से देख लो मधुमक्खियां। Karna!
चाची। अरे अरे हमारे कान को कुछ होगा तो नहीं? नहीं यशोदा, धैर्य रखो, हमारा कान्हा विष्णु अवतार है, कुछ नहीं होगा उसे। अपनी रक्षा भले ही कर लो कृष्ण, किंतु इन गांव वालों को नहीं बचा पाओगे। आक्रमण! मधुमक्खियां कितने शक्तिशाली हैं। दाऊ ये देखो, ये मूर्ख मधुमक्खियों की शक्ति के बारे में आपसे बात कर रहा है। मधुसूर, तुम्हें मेरी दाऊ की शक्ति का अनुमान नहीं है अज्ञानी। पुनः धरती पर नहीं आने वाली मधुसूर, है ना दाऊ? तुझे मेरी शक्तियों का आभास नहीं है बालक। अब मैं तेरा अंत तेरे इन गांव वासियों के सामने करूंगा। किंतु अब तुम मेरा अंत कैसे करोगे मधुसूर, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां भी उन मधुमक्खियों के साथ समाप्त हो गई। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी उनके पास भेज देता हूँ। ताजा ताजा माखन तो निकाल दिया, अब इसको सबसे ऊंचे वाले चिखे पर जाकर रख देते हैं। किंतु अब इसे छिपाने की क्या आवश्यकता है?
क्योंकि भगवान से कहां कुछ छुप सका है। यशोदा क्या हुआ, इतनी विचलित क्यों हो? कुछ नहीं। कान्हा की याद आ रही है। यशोदा कृष्ण भगवान यहीं तो हैं, हमारे पास। वही तो, यहाँ जो रहते वो भगवान कृष्ण रहते हैं। मेरे लल्ला और उसका नटखटपन तो जैसे खो सा गया है। जब से उनकी पूजा होने लगी है, उससे मैं अकेली हो गई हूँ। ना मैं पहले की भांति उसे अपने हाथों से माखन खिला पाती हूँ, और ना ही उसकी चंचलता का आनंद उठा पाती हूँ। ऐसा लगता है अरे जैसे मेरा लल्ला और उसका बचपन छिन गया है। अरे यशोदा रो मत, हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर हमारे घर में रहते हैं संतान के रूप में। किंतु यशोदा मैं भी अपना मन भक्ति में लगाना चाहता हूं, किंतु मुझे बार बार अपने प्यारे लल्ला का बचपना याद आ जाता है। उसके सारे गांव वासियों के साथ हंसी ठिठेली, उसका नटखट पर समाप्त हो गया यशोदा, समाप्त हो गया। मैया बाबा को भगवान तो मिल गए, परंतु वे संतान के सुख से वंचित हो गए। प्रभु माखन का भोग लगाइए। कान्हा ने तो माखन का भी त्याग कर दिया है। जी बताइए आपकी समस्या क्या है और कहां से आए हैं आप लोग? नंद जी मैं पास के गांव रामगंज से आया हूं। हमारे और पास के कई गांवों में दूध और माखन की आपूर्ति वृंदावन से पूरी होती थी, किंतु पिछले कुछ दिनों से कोई भी ग्वाला दूध की आपूर्ति नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि अब उन्हें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और वो आपके गांव के दुष्ट साहूकार, उसने तो आतंक मचा रखा है। और क्योंकि हम ग्वाले नहीं हैं तो हमें उससे बहुत ऊंचे दामों में कार्य करना पड़ रहा है। नंद जी हम सभी को बहुत हानि हो रही है, इस प्रकार कब तक चलेगा? कृपया करके हमारी सहायता कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। गांव में स्वयं विष्णु का अवतार वास करता है, हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता? हम तो प्रभु का नाम भजते हैं और आनंद पूर्वक रहते हैं, अब प्रभु है ना हमारी सहायता करने के लिए। क्या कह रहे हैं वृंदावन वास, कर्म के अभाव में इनका जीवन कैसे चलेगा? ये क्या हो गया है वृंदावन वासियों को, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। आज तो गांव के ब्राह्मण से मुझे सब कुछ सत्य पता चल ही जाएगा। अरे चंदन के बाबा, आज प्रातः ही खेल मनोरंजन में लग गए। अरे अब हमें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारे गांव में भगवान रहते हैं, कोई भी आवश्यकता होगी तो भगवान पूरा कर देंगे।
अब तुम भी जाओ घर विश्राम करो और मुझे भी मेरे मित्रों के साथ खेलने दो। ये क्या कागा? भगवान, भगवान आप? आपके पशु भूखे और प्यासे हैं और आप निश्चिंत होकर भोजन का आनंद उठा रहे हैं। इन्हें चारा क्यों नहीं डालते? आप और कृष्ण के राज्य में कुछ भी अनुचित नहीं हो सकता। ये नहीं भी खाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप विराजिए प्रभु, मैं आपके लिए माखन का भोग लेके आता हूँ। मेरे दुख दूर कीजिए प्रभु, मेरे खेत भी सूख रहे हैं। घर पर आज खाने को एक अन्न का दाना नहीं है और मेरे पशु भी मर रहे हैं। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। नहीं काना, इनकी सहायता मत करना। तुम्हारे खेत इतने सूखे पड़ गए क्योंकि तुम्हें सिंचाई करने का समय नहीं है। तुम भगवान पर सब कुछ छोड़कर दिन निकलते ही चौपाल में चौसर बिछा कर बैठ जाते हो। जब तुम कर भी नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में धन कहाँ से आएगा काका? और तो और आप इतने निष्क्रिय हो गए कि आप सबको अपने पशुओं की देखभाल करने में भी आपको कष्ट होने लगा है। भगवान आप सबके बीच में, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्महीन हो जाए। मनुष्य जीवन की शोभा कर्म से ही है काका। कर्म कीजिए कर्म। हाँ प्रभु, आपकी भक्ति भी तो हमारा कर्म है। भगवान की भक्ति से बड़ा कर्म और क्या हो सकता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई काना, मुझे क्षमा कर दो। मेरे हट के कारण तुम्हें तुम्हारे बचपन से वंचित होना पड़ा और ये सभी गांववासी कर्महीन बनकर स्वर्ग की हानि कर रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है कनक।